गाइस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाने थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो रह गए हैं मेजॉरिटी मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ऐड होगा रिमेनिंग क्वेश्चन का, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और कुछ जो दो तीन रह गए होंगे वो आप लोग खुद कर लेना, सही है। अब दूसरा टॉपिक क्या था कि जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है। अब जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है मैं वो आपको करवा दूंगा, सही है। और जो नहीं होंगे वो पीडीएफ में ऐड हैं, वो आप डाउनलोड कर लोगे जब, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साथ ही, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है, शो दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द लेटरा रेक्टा ऑफ अ हाइपरबोला हैव स्लोप प्लस माइनस ए, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं ना हाइपरबोला में, दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे, सही है। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड होते हैं उस पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, अब दो लेटेस्ट रेक्टम है तो इसका मतलब है चार एंड होंगे ना, एक लेटेस्ट रेक्टम है एक एंड ऊपर एक एंड नीचे, इसी तरह दूसरे का भी दो एंड होंगे, तो टोटल चार एंड है। अगर इस पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो होगा क्या, उसका स्लोप या तो ई होगा, मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप की बात कर रहे हैं, या तो उसका स्लोप ई होगा या माइनस ई होगा, आपको ये प्रूफ करना है, सही है। अब देखो ये चीज़ आपको शायद समझ ना आए जब तक मैं फिगर ड्रॉ ना करूँ, सही है। तो आप ये बल्कि समझ लो, उसके बाद मैं ये रब करके फिगर ड्रॉ करूँगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। आप कंसीडर कर लो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। अब आप क्या करो, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस सी है पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सॉल्व करो इसे, आपके पास आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हाइपरबोला में बराबर होता है बी स्क्वायर के, ठीक है। तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास है वाई की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास लेटेस्ट रेक्टम जो दो हैं उनके एंड पॉइंट्स आ जाएंगे जो इसके बराबर है, सही। अब समझ लो आप लोग के फिगर में जो हमने पॉइंट निकाले हैं एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो दो थे, जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं फिगर में, आप किस तरह उसको ड्रॉ करोगे। देखो एक्स इक्वल टू सी जो वैल्यू आई थी आपके पास, प्लस माइनस सी जो आई थी, मैंने पुट किया था इसको हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्यों पुट किया था इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मेरे पास वाई की वैल्यू आई थी। देखो ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी मेरे पास एक लाइन है, कौन सी लाइन है, देखो आपको पता है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब फोकस तक का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सी के बराबर होता है, डायरेक्शन की वजह से हम माइनस सी बोलते हैं उसको, सही है। तो अगर मैं इस लाइन जो लेटेस्ट रेक्टम जो है, अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या होगी, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसकी ये वाली इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए। अब वो राइट की तरफ है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू सी। अगर वो लेफ्ट की तरफ है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस सी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इस लेटेस्ट रेक्टम की, दो लेटेस्ट रेक्टम है ना, इनकी मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, सही है। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम और ये हाइपरबोला जो ये वाली ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है, दोनों ब्रांचेस में लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हाइपरबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो इधर भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, तो इधर भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इधर भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंपल। तो करोगे आप क्या, सिंपल इसको पुट कर दो जैसे वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी ना, आप क्या करते थे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक्स या वाई की वैल्यू निकालते थे और हाइपरबोला पैराबोला किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो वही काम करोगे, आपके पास एक्स की वैल्यू पता है आपको, आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। अच्छा, पुट करने के बाद जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती थी उनको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही है। तो अगर आप एक्स की वैल्यू उसके अंदर पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स आ जाएंगे जो लेटेस्ट रेक्टम और हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सही है। चार पॉइंट आएंगे टोटल, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट इनका ये आ जाएगा सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए। इसी तरह एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए। इसी तरह माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, और आखिरी जो होगा सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, सही है। तो ये रीज़न है एक्स की वैल्यू मैंने पुट की हाइपरबोला के अंदर, वाई की वैल्यू निकाली, मेरे पास चार पॉइंट्स आ जाएंगे, सही है। अब ये चारों पॉइंट जो है ये एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, या लेटरा रेक्टा बोल दो आप, मतलब प्लूरल है ना लेटेस्ट रेक्टम का, सही है। और एक और खासियत क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितना ऊपर डिस्टेंस होता है अगर आप फोकस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो, मतलब फोकस पे आप एक ऐसी लाइन बनाते हो जो ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है, उसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, सही है। जितना ये वाला डिस्टेंस होता है
उतना ये वाला डिस्टेंस होता है, सही है। इधर भी जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ये वाला डिस्टेंस है, सही। तो जो मैंने आप लोगों को स्टेप करवाए थे सवाल के शुरू में, एक्स की ये वैल्यू थी आपके पास और आपने पुट किया था हाइपरबोला के अंदर वाई की वैल्यू आई थी, अगर आप इना भी करो फिर भी सही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b स्क्वायर ओवर a के बराबर होती है, सही। अब ये फिगर सही नहीं बनी लेकिन जितना ये डिस्टेंस है उतना यही है, सही है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, हाइपरबोला और एलिप्स दोनों में सेम होती है, 2b स्क्वायर ओवर a के बराबर होती है। तो ये पूरा अगर 2b स्क्वायर ओवर a है और मैंने बोला है कि ये वाला डिस्टेंस दोनों हाफ हाफ होते हैं, सही है। तो अगर 2b स्क्वायर ओवर a को आप 2 से डिवाइड कर दो, सही है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एक हाफ की लेंथ क्या आ जाएगी, b स्क्वायर ओवर a, इसी तरह दूसरे की लेंथ क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर ओवर ए, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2b स्क्वायर ओवर a के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप वो पूरा सॉल्व ना करो फिर भी आपको पता चल जाएगा एंड पॉइंट जितने ना वो आप निकाल सकते हो आराम से इस वाले कॉन्सेप्ट से, और अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, सही। बहरहाल आपके पास ये चार पॉइंट ऑफ ये चार एंड पॉइंट आ जाएंगे लेटेस्ट रेक्टम के या लेटरल रेक्टा के, सही है। अब आपको फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सही है, इन सारे पॉइंट्स पे जो एंड पॉइंट है ना, अगर उन पे टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप क्या होगा, या तो पॉजिटिव ई के बराबर होगा या नेगेटिव ई के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है, सही। अच्छा, ये डॉटेड लाइन मैंने एसिम्प्टोट बनाया, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था क्या होता है, सही है। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का क्या तरीका है, वही जो हम पहले करते थे, मैं कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि एक और तरीका भी है लेकिन वो मैं उसमें नहीं जाना जा रहा, जो आप लोग जिस तरह पहले निकालते थे आप उसी तरह निकालो। वो तरीका क्या था, आप सिंपल डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है, ये आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब आप जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना चाह रहे हो, आप क्या करो उस पॉइंट को पुट कर दो उस डेरिवेटिव के अंदर, जो भी वैल्यू आएगी वो स्लोप होगा टेंजेंट लाइन का उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, सही है। अब आपको इन चार पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना है, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करो, ये आपके पास आप डिफरेंशिएट कर दो हाइपरबोला की इक्वेशन को, आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये वाला पिक करो, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए से कैंसिल होगा ए स्क्वायर, तो आपके पास सिर्फ ए बच जाएगा, तो सी ओवर ए आपके पास बच गया, और आपको पता है इसेंट्रिसिटी बराबर होती है सी ओवर ए के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया इस पॉइंट पे ई के बराबर, मतलब ई आ गया। उसके बाद आप क्या करो, ये वाला पॉइंट पुट कर दो, माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए, पुट करोगे सॉल्व करोगे, अब आपके पास जो स्लोप आया वो माइनस ई के बराबर आया, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे उसका स्लोप क्या होगा, माइनस ई के बराबर होगा। इसी तरह इस वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालोगे तो ई आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल रहे हो तो माइनस ई के बराबर आ रहा है, सही है। तो ये प्रूव हो जाएगा, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही निकालनी, लेकिन उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि हम डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप निकालते हैं, अगर इक्वेशन आपको निकालने होगी तो किस तरह निकालोगे, स्लोप और पॉइंट गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लोगे, सही। लेकिन यहाँ नहीं आपको निकालनी, यहाँ आपको बस यही प्रूफ करना था कि इन चारों पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालोगे तो वो ई आएगा और माइनस ई आएगा, सही है। तो ये आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 से सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको पैराबोला गिवन है और आपको करना है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो ये पैराबोला आपको गिवन है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, ठीक है, तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अब इस पे आपको एंड पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सही है, जो दो एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम के, इन दोनों एंड पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो एंड पॉइंट्स निकाल लो, आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 4a के बराबर होता है, सही है, और अगर आप सही डायग्राम बनाओगे तो जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर टोटल 4a है, 4a को आप हाफ करो तो क्या होगा, 2a के बराबर होगा, तो इतना डिस्टेंस भी 2a के बराबर है और इतना डिस्टेंस भी 2a के बराबर है, ऐड करोगे तो 4a के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, फोकस है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a कॉमा 0, सही है। तो इस वाले पॉइंट का एप्सीसा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास, ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2a के बराबर है, तो एक एंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा a कॉमा 2a। इसी तरह इस पॉइंट का एप्सीसा, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से a के बराबर है और इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2a के बराबर है, बस अब बिलो एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो एक एंड पॉइंट आपके पास ये आ गया, एक एंड पॉइंट ये आ गया। आपने सिंपल करना क्या है, जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है इसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद
ये वाला पॉइंट पुट करो डेरिवेटिव के अंदर, आपको इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन मिल जाएगा। जो भी स्लोप होगा और पॉइंट गिवन है, आप इक्वेशन निकाल लोगे स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से। इसी तरह जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया था उसके अंदर ये वाला पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट के ऊपर। स्लोप आपके पास आ गया, पॉइंट आपके पास आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लोगे। ठीक है, तो यही मैंने काम पीडीएफ में किया हुआ है, तो आप लोग देख लेना, वहां से समझ लेना। सही है, मैंने पूरा क्वेश्चन शूट किया है वीडियो इसकी, लेकिन मुझे लग रहा था आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और रीजन क्या थी, मैंने डायग्राम नहीं बनाई थी। सही है, तो अब मैंने क्या किया है, सही तरह प्लॉट करके डायग्राम, लाइनें सही तरह ड्रॉ नहीं की, लेकिन पिक्चर जो आपको दिखानी है वो क्लियर होगी होगी आप लोगों से। तो दोबारा शूट करूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को समझ आ जाए। सही है, तो है क्या क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, सिंपल आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है आपको और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है आपके पास। आपको करना क्या है, आपको टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, दो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पहली टेंजेंट लाइन जो है वो इस पैराबोला के ऊपर मतलब टेंजेंट है और इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है और इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अगर इस पैराबोला को ड्रॉ करोगे तो ये आएगा और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और जो टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन मैंने ड्रॉ की है वो ये वाली है, सॉरी लाइन ड्रॉ की ये वाली है। तो देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये पैरेलल है अगर आप सही ड्रॉ करोगे फिगर से। सही है, निकालोगे किस तरह इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन के पैरेलल है। देखो, सबसे पहले आप इस पैराबोला को डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले आप क्या करो, इसको कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। आपके पास इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ जाएगा 2 के बराबर। सही है, अब देखो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 के बराबर है, आप क्या करो इस पैराबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट करोगे ये आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। अब आपको पता है टेंजेंट लाइन और ये वाली लाइन जो है, पहली जो आपको दो इक्वेशन निकालनी है ना, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर की, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कोई भी टेंजेंट लाइन होगी तो इसका स्लोप और टेंजेंट लाइन का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है जो भी दो लाइन पैरेलल होती है उनका स्लोप बराबर होता है, m1 इक्वल टू m2 होता है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ये है और लाइन का स्लोप 2 है। सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आई है पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा, 4.4। ये किसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस स्ट्रेट लाइन का और इस पैराबोला का। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है 4.4 के ऊपर। सही, जिसकी आप इक्वेशन निकालोगे ये वाली, किस तरह निकालोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पता है 4.4 है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो इसका स्लोप 2 है तो ये इसके अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 2 के बराबर होगा। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा टेंजेंट लाइन जो है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है वो इस वाली स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है और इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है। किस तरह निकालोगे, आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का पॉडेट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या है, x/2 और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, 2। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बराबर है -1 के। यहां से आप निकालोगे x की वैल्यू -1, जो भी x की वैल्यू आई है पुट कर दो इक्वेशन के अंदर तो आपको मिल जाएगी y की वैल्यू। तो एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप ड्रॉ करो तो ये वाला है जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है ना, तो इस पर आपने टेंजेंट लाइन निकालना है। किस तरह निकालोगे, देखो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट और उसका स्लोप, तो आप स्लोप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो आपको पॉइंट मिल गया और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो ये वाली टेंजेंट लाइन जो है वो गिवन स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन का स्लोप 2 के बराबर है तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा, सॉरी इस टेंजेंट लाइन का क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। सही है, तो स्लोप -1/2, पॉइंट ये वाला आपके पास। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला में पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहो तो मैंने ये पूरा ड्रॉ किया पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन है। सही है, अब देखो जो पैरेलल टेंजेंट था उसकी इक्वेशन ये थी, उसको मैंने जब ड्रॉ किया तो आपके पास ये पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन है और दिखने में भी आपको ये पैरेलल लग रही होगी स्ट्रेट लाइन के। और इस टेंजेंट लाइन और इस पैराबोला के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, 4.4, उसको ड्रॉ करो तो ये आएगा। तो इस पॉइंट पे ये वाली लाइन टेंजेंट है पैराबोला के ऊपर। सही है, और इस लाइन के पैरेलल है। इसी तरह इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे, इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल के ड्रॉ करोगे, आपके पास ये वाला आएगा। सही है, और इस टेंजेंट लाइन और इस पैराबोला के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, -1.1/4, ये वाला पॉइंट है। सही है, तो इस पॉइंट पे ये वाली टेंजेंट लाइन, मतलब इस पॉइंट पे ये वाली लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है।
इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है और इस स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री बना रही है, सही है। तो आपको एक पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, मतलब जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है और जो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन जो है उसकी आपको इक्वेशन निकालनी थी, सही है। तो ये सवाल आपको करना था सॉल्व।